देश के रियल एस्टेट सेक्टर को फेस्टिव सीजन से बड़ा सहारा मिला है। आकर्षक ऑफर्स ने घर खरीदारों के साथ ही प्रॉपर्टी निवेशकों को भी लुभाने में कामयाबी हासिल की है। अब प्रॉपर्टी की कुल खरीदारी में 25% हिस्सा निवेशकों का है। यही नहीं, अब लॉकडाउन के मुकाबले प्रॉपर्टी की ऑनलाइन खोजबीन भी 30-40% तक बढ़ी है। हालांकि प्रॉपर्टी की खरीदारी को आगे बढ़ाने का सारा दारोमदार अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर है। सरकार भी हाउसिंग फॉर ऑल का मिशन पूरा करने के लिए सस्ते घरों को बढ़ावा देने लगी है। खुद पीएम देसी और विदेशी मंचों पर भारत के अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में निवेश की क्षमताओं का लगातार जिक्र करते रहते हैं। सिटीज कैन नॉट प्रॉस्पर विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। रियलाइजिंग दिस, वी लॉन्च द हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम इन 2015। आई एम हैप्पी टू नोट that we are well on our way. We will deliver more than 1 crore or 10 million houses to aspiring families in urban areas before the targeted deadline of 2022. विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के आकार की मिसाल दी जाती है, लेकिन ये आकार भारत के अथाह बाजार के दम पर ही फल फूल रहा है। इस बाजार को अफोर्डेबल हाउसिंग तक लाने के लिए अब राज्यों को स्टैम्प ड्यूटी घटाने की जरूरत है। जानकारों का भी मानना है कि इससे बिक्री बढ़ेगी और ये सेगमेंट देश के रियल एस्टेट सेक्टर को सफलता की नई मंजिल तक पहुंचा देगा। 2015 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल सेगमेंट रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पुश दिया है उसने। वहाँ एक बड़ा सेगमेंट था जिसमें अब तक खरीदारी नहीं की थी, उसने भी जमकर खरीदारी की है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट अफोर्डेबल हाउसिंग से रियल एस्टेट को मिला है। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत नीचे चल रही है, 7% के आसपास का होम लोन इंटरेस्ट रेट। अगर यहाँ पर स्टेट्स, सब स्टेट्स मिलकर अगर स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस करते हैं तो ओवरऑल गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। डेवलपर्स वैसे सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से संतुष्ट हैं और ब्याज दरों में आई कमी भी उनका उत्साह बढ़ा रही है। किसी भी शहर के विकास में अफोर्डेबल हाउसिंग का सबसे बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का मिशन रखा है, जिसमें सरकार को 1 करोड़ लोगों को निर्धारित समय से पहले घर देना है। इसी मिशन का सम्मान करते हुए हम भी भागीदारी ले रहे हैं। पूरी मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और दूसरा, जो MCLR का डिक्रीज हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने से मतलब मार्केट में बूम आ चुका है फॉर बाइंग द फर्स्ट होम। सो फर्स्ट होम इज द ड्रीम फॉर एवरी कस्टमर। एक्चुअली हर आम आदमी की होती है मेरा अपना घर हो, वो होना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक अचीवमेंट होती है एक्चुअली मेरे हिसाब से। यानी अगर फिलहाल ही ये स्कीम जलवा दिखा रही है तो फिर स्टाम्प ड्यूटी कम होने पर तो ये जादू चला सकती है।